आप देख सकते हैं लगातार है जो लोगों में पूरा जोश है, होश है, क्योंकि लंबे समय से मैडम है जो देख सकते हैं हम पहुंच चुकी है बातचीत करने के लिए, कमेटी से बातचीत देख सकते हैं मैडम है जो बातचीत करने के लिए अभी पहुंची है। और एक मिनट भाई प्रधान जी बैठा लग गए, हटिया भाई हटिया रे हट जाओ। और यहाँ पुलिस की अगर मैं बात करता हूँ एक बार भाई सभी किसान भाई और सारे जितने गांवों के लोग हैं सबसे प्रार्थना, बैठ जाओ, बातचीत चल रही है, एक बार बैठ जाओ। माध्यम से प्रचार के हमारे माध्यम से बात की करी चले गए, तो लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से हमारे पास नहीं है। ये होता है कि दो दिन बाद मीटिंग बुला रहे हैं, चार दिन बाद मीटिंग बुला रहे हैं या यहाँ तक बात पहुँच गई है, ऐसा मैसेज हमारे पास सरकार की तरफ से कोई नहीं। और उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमने तो कॉल कर दी है। अब हमारी बेनती है कि आप हमें होश तो हटा लो। बातचीत का रास्ता खुले प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के साथ, अगर आप जल्दी कोई रिप्लाई नहीं करोगे तो अपना मजबूरी वसी बैरिकेडिंग कर अपना खैर मारनी करोगे, आप लठ मारोगे। एक बार दोबारा बात कर लो और भारत और कोई ठोस मैसेज लेकर आ जाओ, बेहात की सरकार के साथ बात होगी, फलानी तारीख को होगी मुख्यमंत्री के साथ, उससे कम कुछ मंजूर नहीं है। ये बात नहीं होगी। दस मिनट का टाइम है। के लिए आया था तो हमने अभी 10 मिनट का टाइम उनको दिया है कि अगर सीएम साहब सरकार की तरफ से कोई बात का मैसेज आता है तो वो बात कर लें, और नहीं आता है तो उसके 10 मिनट के बाद फिर अपना फैसला सुना देंगे। तब तक के लिए आप सभी भाई शांति से बैठ जाओ, थोड़ा पीछे बैठ जाओ, और कोई भाई हमारा कोई भाई के साथ बहसबाजी नहीं करेगा। जैसे पहला फैसला हुआ था वहां पर कि आगे हम रहेंगे बाकी लोग सारे पीछे रहेंगे, तो उसी पंचायत के फैसले के अनुसार मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भाई बाकी से आगे हैं वो पीछे आ जाए, और जो भाई आगे हैं वो पीछे आ जाए। युवा की अपील है 10 मिनट के रहेगा।